आजकल जो क्योंकि सीजन भी चेंज हो गया है, तो मैं कौन सा ऑयल जो है वो आजकल या आपके साथ शेयर करूंगी, मैं आपको वो पहले बनाना बता देती हूँ, फिर मैं उसे अप्लाई करने का तरीका आपको बताऊंगी। लेकिन हेयर ऑयल से पहले मैं आपको एलोवेरा टोनर बनाना बताऊंगी जो कि आपने बालों में लगाना है। उसके लिए आपने 2 स्पून्स एलोवेरा जेल की ले लेनी है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 स्पून रोज वाटर की जो कि बालों को स्मूथ, हेल्दी और मॉइस्चराइज रखता है। अब इसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कैप्सूल विटामिन ई का जो कि मैंने इवियन का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, और इनको मिक्स करने के लिए लास्ट में इसमें मैं ऐड कर लूँगी 1/2 कप प्लेन वाटर का, इसमें मैंने शामिल किया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे आप बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जितनी क्वांटिटी में इसे मैंने बनाया है इसे आपने वीक में 2 टाइम्स ज़रूर इस्तेमाल करना है। आप स्प्रे बॉटल में इसे डालकर आराम से रख सकती हैं और इस्तेमाल कर सकती हैं। और ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले लेना है आपने मस्टर्ड ऑयल यानी के सरसों का तेल। गर्मियों के मौसम में अगर कोई ऑयल आपके बालों के लिए सबसे बेस्ट है आपके स्कैल्प के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल है जो कि प्रोटीन और हेल्दी फैटी एसिड से भरपूर होता है। और इसमें 1 स्पून में ऐड करूंगी कैस्टर ऑयल की जो कि बालों को हेल्दी करके आपकी ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, इसीलिए तो ये जल्दी से आपके बालों को ग्रो करता है। अब 1 स्पून जो है मैंने 50 ऑयल्स का जो मिक्सचर आपको आराम से मिल जाता है वेबसाइट से, ये चिल्टन प्योर की वेबसाइट से मिलता है, कॉकटेल हेयर ऑयल है ये, इसकी 2 स्पून मैं इसमें शामिल कर लूँगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको मुख्तलिफ चीज़ें पका कर और डिफरेंट तरह के जो ऑयल्स हैं वो अलग-अलग ख़रीद कर मिक्स नहीं करने पड़ते, बल्कि आप ये एक बॉटल लेते हैं और आराम से आपका ऑयल बन जाता है। ये जो फार्मूला ऑयल का बना है गर्मियों के सीज़न के लिए बेस्ट ऑयल है। अच्छा, हमने ऑयल भी बना लिया है और साथ में मैंने टोनर भी आपको बनाना बता दिया है। टोनर का मकसद एक्चुअली ये होता है कि जब आपने ऑयल अप्लाई करना हो, तो अगर आप उससे पहले इस तरह का कोई भी टोनर आपने बालों में अप्लाई कर लेते हैं, तो ऑयल बहुत अच्छे से आपके बालों के अंदर एब्जॉर्ब होता है। जब वो पानी से आपके हेयर फॉलिकल्स एक्चुअली ओपन हो जाते हैं, जब आप ऑयल लगाएंगे तो वो अंदर जब वो ड्राई होगा पानी, तो वो ऑयल आपके ऑयल को अंदर लेकर मीन के एब्जॉर्ब होगा, अच्छी तरह आपके बालों के अंदर जाएगा और असर करेगा। ये जो टोनर है आप हर तरह से बना सकते हैं। मैंने लास्ट में आपको वो ग्रीन कोरिएंडर लीव्स का बनाना बताया था, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि हम एलोवेरा देखें, मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता, काम आजकल इतने हैं, रोजा है आपका कि आप एलोवेरा फ्रेश निकालें, आप हेयर मास्क बनाएं, बालों के ऊपर लगाएं, इतना टाइम नहीं होता, तो उसके लिए ये वाली चीजें बहुत बेस्ट रहती हैं। इसमें एलोवेरा है, रोज वाटर है, और साथ में ही विटामिन ई का भी 1 कैप्सूल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे आप बालों के लिए रूट्स में आप अप्लाई करें। अगर आपके 2 मुंगे बाल हैं, आप आराम से इन्हें रूट्स में ओपन करके पहले आप इस तरह स्प्रे कर लें। जब आपके बाल हल्के हल्के वेट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप अपना जो भी ऑयल आप अप्लाई करती हैं, जो भी आपका फेवरेट बालों में सूट करता है ऑयल, वो अप्लाई करें। हमेशा याद रखें कि आपके बाल घने और लंबे होने जो हैं, वो इनसे जो आपके ऑलरेडी बाल आ चुके हैं ये उनको हेल्दी रखते हैं। इस तरह का ये वाला ऑयल जो है ये समर सीजन के लिए बेस्ट है। मैं सजेस्ट नहीं करती, हम घर में भी नहीं बनाते कि आप अनियन डाल के या उसे फ्राई करके, तो इस तरह के ऑयल जो है आप समर सीजन में लगाएं। इससे आपके बाल अच्छे रहेंगे, स्कैल्प जो है वो हेल्दी स्किन रहेगी, बाल अच्छे हेल्दी रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, मॉइस्चराइज रहेंगे।